हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो इज स्पेशल वीडियो होने वाली, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय इन मेकअप लुक, जो कि एक ग्लॉसी एंड डेवी मेकअप लुक रहेगा। एंड आप बोलोगे हाउ इज पॉसिबल यार, समर में कौन ये लुक लेकर चल पाएगा, मतलब ओ माई गॉड, पसीना, स्वेटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि आप ग्लॉसी एंड डेवी दोनों लुक अचीव करोगे, वो भी वाटरप्रूफ एंड स्वेट प्रूफ। यस, तो इस वीडियो में मैं आज आपको प्रो टिप्स भी बताऊंगी कैसे आप ये लुक अचीव कर सकते हो। हाउ, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेस को रेडी करते हैं जैसे कि हमेशा करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी टोनर। इट्स अ अल्कोहल फ्री टोनर है एंड गुड फॉर ऑयली स्किन। जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स लेना है एंड फेस पे से अब्जॉर्ब कराना है, पैड 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 करके। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे मैं स्यूज ब्यूटी का प्राइमर ले रही हूँ, जो कि एक हाइलाइटिंग प्राइमर है। एंड इसी लगाने के बाद फेस पे एक इफेक्ट देता है, जो कि बोलते हैं हम लोग इसे इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट। अगर आप इस प्राइमर को लगाओगे उसके बाद आपको हाइलाइटर की नीड नहीं पड़ेगी, आपको स्किप कर देना है हाइलाइटर। एंड इसी से ही हमारा जो बेस है एंड हमारा जो मेकअप है वो ग्लॉसी इफेक्ट देगा। एंड गाइस, यहाँ पे मैं मास्क का पाउडर फिलिंग, ब्राउज फिलिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं ब्राउज को फिल करने के लिए। एंड उसके बाद हम ब्राउज को नीट एंड क्लीन करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो ब्राउज है वो बहुत अच्छा दिखने लगता है, उभर के दिखने लगता है और ऑल ओवर फेस पे हमारी आईब्रोज बहुत सुंदर लगनी चाहिए। एंड इसी से मैं एज अ आइस ब्रेस भी कंप्लीट कर लूँगी। नथिंग, आपको कोई भी आइस ब्रेस या आइस प्राइमर नहीं लगाना, इसी से ही काम चल जाएगा। ओके, एंड आइज़ मेकअप के लिए मैं अपने ड्रेस से मैच करता हुआ कुछ कलर पिक करूँगी, लाइक मैजेंटा कलर मैं यूज़ करूँगी, जिसे आप यू नो डार्क पिंक कलर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ कलर पिक करूँगी जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। एंड जस्टली सिंपली मैं आपको आउटर वी एंड इनर वी पे ही आपको आई शेडो प्लेस करना है, जैसे मैं आपको प्लेस करते हुए दिखा रही हूँ। आपको डैब डैब करते इसको प्लेस करना है एंड इनर कॉर्नर पे ही डैब डैब हल्के हाथों से ही प्लेस करना है, जब तक आपको फुल पिगमेंट ना मिल जाए। एंड उसके बाद मैं दोनों को मिला लूँगी, जिससे कि कोई भी क्रीजिंग ना दिखे, क्योंकि मुझे एक हेलो आइज क्रिएट करनी है। उसके बाद मैंने सिंपल एक लाइट कलर यूज़ किया एज अ ट्रांजिशन शेड। इसे क्या ब्लेंड करूँगी तो हमारी भी कोई भी हार्श लाइन आई शेडो की नहीं दिखती है। मैंने यहाँ पर शिवाना का यू नो ब्लश पैलेट यूज़ किया, तो उसमें हाईलाइटर है। सेम उसी हाईलाइटर से मैं अपने आइज़ के मिडल पे से लगाऊंगी, जो कि एक इफ़ेक्ट देगा बहुत ही प्यारा। कैन यू सी, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एंड इट्स अ वाटरप्रूफ एंड इट्स अ यू नो हाई ब्रांड क्वालिटी का ही ये आपको लगेगा पिगमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो। सिंपली एक ब्लेंडिंग ब्रश लेना है एंड अच्छे से ब्लेंड कर लेना आपके जितने भी आई शेडो है, ताकि आपके आई शेडो अलग अलग ना दिखे। क्योंकि एक प्रो टिप जो कि मैं आपको बता रही हूँ, तो ये नोट करना बहुत ज़रूरी है, कभी भी मस्कारा को अप डाउन नहीं करना, हवा में नहीं निकालना है। कोशिश करो आपको बॉटल के अंदर ही सही आपको उसको घुमा के निकालना, इससे कि आपका मस्कारा जल्दी ड्राई नहीं होगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका मस्कारा अच्छे से चलेगा। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि आईलैशेस कैसे लगाने, तो सिंपल मैं तरीका आपको बता रही हूँ। आपको एक ग्लू लेना है, जो कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन करूँगी। ग्लू को सिंपल जहाँ लाइनर लगाते हैं वहाँ पे आपको प्लेस करना है, उसके बाद ग्लू ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको आईलैशेस फिक्स कर लेनी है, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। ये प्रो टिप मैं आपको बता रही हूँ, जब आप पुराने आईलैशेस यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो आई शेडो लो, आई शेडो को लेने के बाद उसमें ना टैप टैप करते हुए उसका जो ग्लू है उसे हाइड कर दो, और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, लगेगा कि आपने एक आईलाइनर लगाया है विद आईलैशेस के साथ। एंड यहाँ पे मेरे थोड़े से डार्क सर्कल हैं, तो मैं इसे हाइड करूँगी। और हाइड करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो कैरेक्टर यूज़ किया है, तो मैं ऑरेंज शेड पिक करके अपने अंडर आइज जहाँ जहाँ मुझे यू नो पिंपल्स के निशान हैं, जहाँ डार्क स्पॉट दिख रहे हैं, तो मैं इसी से इसे हाइड कर लूँगी और बहुत अच्छे से हाइड होता है। एंड गाइस, ये जो यू नो कंसीलर है बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा बेस एक क्रिएट कर देता है। सी, एक तरफ मेरा फेस कितने अच्छे से हाइड हुआ है और एक साइड का मेरा फेस एकदम ओरिजिनल दिख रहा है।
एंड गाइस, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ पानी आप भरपूर मात्रा में पियो, क्योंकि यही एक कारण है आपके फेस को हाइड्रेट करेगा, ग्लॉसी एंड डेवी इफेक्ट देगा। इसे मत स्किप करो बिल्कुल भी। वीडियो जब शूट कर रही थी ना, मेरे पीछे देखो क्या कर रही है लोग, मतलब घर में यार करने से ये सब चलता रहता है, प्लीज़ अवॉइड इट। एंड मज़ा आता है आपको दिखाने के लिए क्या चलता रहता है। ओके, यहाँ मैं ना आपको एक प्रो टिप फिर से देने जा रही हूँ। आपने कलर करेक्टर यूज़ किया तो कोशिश करो उसे बेक ना करो, डायरेक्टली आप फाउंडेशन यूज़ करो, क्योंकि बहुत लोग बेक कर लेते हैं, उसे सेट कर लेते हैं, बाद में जब वो पाउडर लगाते हैं तो उनका केकी हो जाता है फाउंडेशन, केकी फेस हो जाता है, फिर वो बोलते हैं यार मतलब मैंने इसे गलत से फाउंडेशन लगा लिया। नहीं, फाउंडेशन हमेशा सही होता है, आपके लगाने का रूटीन गलत होता है। सिंपली मैं एक डैब ब्यूटी ब्लेंडर से सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ, जस्ट अ ब्लेंड 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 ब्लेंड। लिटिल बिट मैं अपने फेस को हाईलाइट करूँगी, सिंपल यू नो, हल्का हल्का, ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा मुझे कवरेज मिल गया है फाउंडेशन से। सो जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं, नो अंडर आइज, फोर हेड, चिकन बो वगैरह वगैरह, वहाँ पर मैं इसे हाईलाइट करूँगी एंड जस्ट ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड 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 ब्लेंड। ये अगेन मैं आपको एक प्रो टिप्स देने वाली हूँ। लोग पूछते हैं यार तुम्हारा अंडर आइज बहुत स्मूथ दिखता है, प्लस ग्लॉसी फेस ऐसे कैसे दिखता, तो ऐसे दिखता है। सेम उसी डैब ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपको पाउडर, लूज पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर को ही पिक करना है अपना अंडर आइज, जहाँ पे स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है टी जोन एरिया में, वहाँ पे इसे लगा लेना, प्लेस कर लेना है एंड सी राइट एंड लेफ्ट में क्या फ़र्क दिख रहा है, आप देख सकते हो। गाइस चलो नोज कंटूरिंग भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मास्क का आईब्रो फिलिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यस, मैं इसी से नोज कंटूरिंग करती हूँ और मैं कोई कंटूर नहीं यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा इफेक्ट देता है ये, सीरियसली एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट करके बताना। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सिवाना का ब्लश पैलेट, जो कि मैंने अभी पीछे दिखाया है करते हुए, तो उसी में ही हाईलाइटर भी है, उसी में ही ब्लश भी है एंड उसी में ही यू नो ब्रॉन्जर भी है। तो दोनों को पिक करके सिंपली मैं अप्लाई कर ली हूँ एंड यस, इट्स अ प्रो टिप्स फॉर यू। यहाँ पर ना मैंने यूज़ किया है लिप लाइनर एडीएस प्रो का एंड इसे मैंने एज अ काजल भी यूज़ किया है। तो मैंने सोचा जो कि मेरा आउटफिट जो है वो पिंक कलर का है, डार्क पिंक कलर का है, मेकअप भी मेरा उसी से ही है जो हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर ना ब्लैक काजल, वाइट काजल को छोड़कर मैंने यहाँ पे पिंक काजल ऐसा यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सेम लोअर लैश पे मैंने वॉक कर लिया है मस्कारा लगा कर, उसके बाद मैंने ना सेम उसी पिंक लिप लाइनर से, सॉरी आईलाइनर बोल रही थी, लिप लाइनर से ही मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन दी है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा यू नो पिगमेंट उसका बहुत अच्छा, उसका वर्क बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर यू नो फूशिया शेड लिया है, लिपस्टिक का शेड नहीं बता पा रही हूँ, मैं मेंशन करूँगी स्क्रीन पे ज़रूर, आप देखना चेक करना। व्हाट अ शेड गाइस, मतलब पूरे फेस पे एक द कॉम्प्लीमेंट इसने दे दिया है, बहुत अच्छा लगा है। ग्लॉसी यू नो आपकी यू नो आई शेडो बहुत अच्छा है एंड उस पर न्यू लिप्स, वाओ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। ये यार ये ज़रूर देखना, मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का फिक्सर स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, मैट प्लस ग्लॉसी इफेक्ट देता है और क्विक में ये ड्राई कर देता है। स्प्रे करना है फुल्ली फेस पे एंड कैन यू सी वॉट अ ग्लो एंड वॉट अ फिनिश इसका कितना अच्छा। ये ईयरिंग तो जान ले गई थी मेरी, मुझे बहुत पसंद है ये वाली ईयरिंग इसकी, सच में मीशो से लिया था, कोशिश करूँगी कोड में आपको प्रोवाइड कर दूँ। सी फाइनल लुक मेरा, जगमगा दूंगा मैं हर सुबह तेरी, खुद को बना दूंगा मैं सारी गलियां तेरी, जगमगा दूंगा मैं हर सुबह तेरी, खुद को बना दूंगा मैं। तू चले भी जो घर से निकल के कहीं, रस्ते में खुद को बिछा